तीव्र गति अभ्यास 5 हायसी स्टार्ट आदरणीय मंत्री महोदय तथा उपस्थित आदरणीय सदस्यों, हमारी स्वतंत्रता और स्वाधीनता तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि हम उपनिवेशवाद की आखिरी निशानियों को समाप्त कर दें। हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं उनसे नई विश्व व्यवस्था के कमज़ोर ढांचे पर एक और छाया पड़ी है। एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करने और तमाम राज्यों की प्रभु सत्ता, पारदर्शी अखंडता तथा राजनीतिक स्वाधीनता का समादर करने के सिद्धांत शांतिपूर्ण सहजीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण है। पैरा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अगर बल प्रयोग का त्याग न किया गया और राष्ट्रों के अधिकार और जातियों की समानता का आदर न किया गया तो तनाव को कैसे कम किया जा सकेगा अथवा लड़ाई के खतरे को कैसे दूर किया जा सकेगा। सारा विश्व पूरे चक्र में फंस गया है। इसके कारण राज्यों के बीच के संबंध नियमित करने का अच्छा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र भी धीरे धीरे शिथिल पड़ता जा रहा है और अंत समाप्त हो जाने का खतरा है। पैरा आजकल एटमी हथियार हिंसा की चरम परिणति है। सब लोगों ने एटमी हथियारों को जीवन का तथ्य मान लिया है और इसलिए वे इसे खतरे के प्रति कुछ हद तक बेखबर से हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कहीं महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए हैं लेकिन इसके बावजूद भी विभिन्न देश एटमी लड़ाई के लिए अपनी क्षमता निरंतर बढ़ा रहे हैं। हथियारों की होड करने और नए से नए हथियार बनाने के कारण शक्ति संतुलन का सिद्धांत बेमानी हो गया है। राज्यों द्वारा एटमी हथियारों को परीक्षण रोक देने से इनकार करने के कारण आंशिक रूप से परीक्षण रोक संधि को सीमित रखने से ही शांति की पक्की नींव डाली जा सकती है। फुल स्टॉप।